ओम शांति। आपका प्रश्न है, मरे हुए व्यक्ति सपने में आकर कुछ बोलते हैं, उसका क्या मतलब? मरे हुए व्यक्ति कभी भी वो आत्माएं सपने में नहीं आती हैं। सपने हर आत्मा स्वयं अपने सारा दिन में उठने वाले संकल्पों के आधार पर देखती। कुछ ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई, कुछ ऐसी इच्छाएं जिनको पूरा किया, कुछ भी हो सकता है। सपने सपने का कोई सिर पैर नहीं होता। परंतु ये याद रखें, सपने केवल और केवल सपने होते हैं। उन्होंने आकर, क्योंकि वो आपको ऐसे ही लगते हैं जैसे कि प्रैक्टिकल में वो मेरे सामने हैं, मेरे साथ हैं और अपना जो भी रोल है वो प्ले कर रहे। परंतु सच्चाई ये है कि वे आत्मा नहीं होती, वे सिर्फ और सिर्फ आपके अपने ही संकल्प, जिनको आप देख रहे हो, जिनके अंदर आप रो भी रहे होते हैं, खुश भी हो रहे होते हैं, अनुभव भी कर रहे होते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप वास्तव में सपने में भी रो रहे हैं और प्रैक्टिकल में भी रो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपकी टांगे भी चल रही। ये सिर्फ और सिर्फ सपने जो आत्मा देखती है, उन बातों को जो उनकी बुद्धि में, सब कॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई, जिन पर उसने पूरा एक्ट नहीं लिया। एक्ट ले भी लिया है तो भी पड़ी हुई। सपने को किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं दिया जाता। ये दुनिया वाले ब्राह्मण इन सपनों को भी एक लूटने का धंधा बना ले। अच्छा, उन्होंने ऐसे किया तो आप ऐसा करो कि ये सब पंडित को दान करो, दान पंडित जी को करो। वो मांग के गया है ना, नहीं देंगे तो वो आपका अनिष्ट करेगा। और उसने कुछ ऐसा नहीं मांगा, दान नहीं किया तो कहेंगे देखो वो आ रहा है, अभी उसकी गति नहीं हुई है, आप उसकी गति के लिए पूरा अनुष्ठान करवाओ, कुछ भी करवाओ हमें देने के लिए। ये ब्राह्मणों का धंधा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ देने की जरूरत नहीं है, कुछ बुरा भला समझने की भी जरूरत नहीं है। परमपिता परमात्मा ने हमें समझा दिया है कि हर बात में कल्याण, हर बात में कल्याण। ये बात हमारी बुद्धि में रहे तो हम किसी भी प्रकार से दुखी नहीं। अपनी शान से परे परेशान नहीं। हमारी खुशी कभी गायब नहीं हो। याद रखना है, जो हुआ अच्छा,
जो हो रहा है अच्छा हो और जो होगा वो भी अच्छा, अच्छे से अच्छा, गलत हो ही नहीं सकता। जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने समझाया, होनी होकर रहे अनहोनी ना, जो होनी है ना वो तो होकर रहती है परंतु अनहोनी कभी नहीं होती। याद रख, जो हुआ है वो होना था, अनहोनी तो हो ही नहीं सकती, परंतु हम अज्ञानतावश कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ तो हम उसे कह देते हैं ये अनहोनी। हमारी मर्जी से हो गया तो अच्छा, हमारी मर्जी से नहीं हुआ तो ये तो अनहोनी, हम तो नहीं चाहते थे परंतु ये अनहोनी, जो हुआ है वही होना था। और अच्छी तरह परमपिता परमात्मा ने स्पष्ट किया, राइट इज राइट, याद रखिए रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। राइट तो राइट है ही है परंतु रॉन्ग भी राइट। ये बात बुद्धि के अंदर समझ में आ जाए तो फिर किसी भी प्रकार का भय, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओ शायद